हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इस पंखा को कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली में चल नहीं रहा है, तो इसको हम पहले खोलते हैं। तो खोलने के लिए देखिए फ्रेंड्स, एक नट यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये तीनों नट को हमें खोलना होगा। तो इसको फटाफट से हम खोल लेते हैं। और इसको यहाँ से एक पेच है, इसको भी खोलना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल गया और इसको साइड में रख लेना है। और अब इसको यहाँ से निकालना है, तो इसको थोड़ा सा ठोकेंगे यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कॉइल जो है जल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी का मात्रा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फंगस की तरह लगा हुआ है। तो अब इसको यहाँ से खोलते हैं, तो इसको इस पर थोड़ा सा ठोकना होगा, वो भी काट से या फिर कोई प्लास्टिक का जो है थोड़ा होता है उससे। तो इस पर थोड़ा सा मोबिल डाल दें, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल गया है। और इस तार को जो है इसको इस तरह से अंदर कर ले, इसको निकाल लेना धीरे धीरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये निकल गया, लेकिन कॉइल जला हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी साइड करते हैं। स्विच कनेक्शन लेना है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये स्विच वर्क कर रहा है। और अब इसको देखना है, तो इसमें तो लाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये दिखने में जला हुआ है, लेकिन कॉइल इसका जो है प्रॉपर सही है। तो इसका कॉइल का जो है कनेक्शन हमें फिर से करना होगा, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो इसका कनेक्शन के लिए यहाँ से हमें कट करना होगा, तो इसको हम कट कर लेते हैं। और ये जो वायर है ख़राब वाला, इसको हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ये पंखा जो है वो वर्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए एक नट, तो इसको यहाँ से खोलना है और अब इसको यहाँ से हटा लेना है। इसको आप अच्छे से इस तरह से निकाल लें, और निकालने के बाद इसको यहाँ से निकालना होगा, ताकि ये तार जो है सही से बाहर आ जाए। तो ये निकल गया फ्रेंड्स, अब इसको इसी तरह से इसको रहने देना है। और अब ये वाला वायर को निकालना है, तो ये निकल गया फ्रेंड्स। और अब इस तीनों का हमें कनेक्शन करना होगा, तो इसमें इतना सा तार लेना है और इसको कट कर लेना है दो भाग में। कट हो गया फ्रेंड्स, और अब इसको सभी को अलग कर देना है। और हमें चाहिए इसमें तीन तार है, एक दो और तीन। तो एक में हम दे देंगे ब्लैक, जो कि कॉमन होगा, और इस दोनों में रेड वायर दे देंगे। और इन्वेलप चाहिए, तो तीन पीस इन्वेलप भी लेना है, थोड़ा लंबा ले लेंगे जिससे कि आसानी से इसमें चला जाए। अब इसको छील लेना है, अब इसमें ब्लैक वाला वायर जोड़ लेते हैं।
तो ये लग गया फ्रेंड्स, जो है इसको इस तरह से यहाँ पे लॉक कर लेना है। ये लॉक हो गया फ्रेंड्स, इसको इस तरह से यहाँ पे अंदर कर लेना है। तो इसको अंदर करने के लिए एक वायर इसमें लगा लेना है। इसको छील लेना है, इस तीनों तार को भी। इस तरह से यहाँ पे इसको जोड़ लेना है तीनों को, और जोड़ने के बाद इसको इस तरह से निकाल लेना धीरे धीरे करके, ताकि ये तार छूटे ना। तो ये फ्रेंड्स हैंड रेडी हो गया, और अब इसको चेक करना है फ्रिज में कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसमें इस वाले वायर में तार लगा लेना, इससे दोनों में पता चल जाएगा कि लाइन है या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लाइन है और इसमें भी लाइन है, ग्राउंड में लाइन नहीं है। लेकिन ये अब ये जो है वो बंद कर रेडी हो गया है। तो अब हम इसको लगा लेते हैं इसके अंदर। तो इससे पहले इसको साफ कर लेना है, ये जो है डस्ट है इसमें। और इसका वायरिंग भी चेंज करना है।